बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गन्ने के काश्तकार किसान भाइयों के लिए बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। चूंकि लाहौर में शुगर मिल्स एसोसिएशन का अहम इजलास हुआ, जिसकी मुख्तलिफ अपडेट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले आप देखें ना, वैसे इस हुकूमत का ये दौरानिया भी याद रखा जाएगा, ये जुल्म जो किसानों पर कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों को अदालतों में जाना पड़ रहा है, अदालतों का रुख करना पड़ रहा है, ये याद रखा जाएगा। आप अंदाजा लगाए ना कि किसानों से जबरदस्ती जो रकबे छीन के प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। मैंने आपके सामने मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ देहातों पे जहां पे सरकारी रकबे सालों से जो है वो किसान यूज करते आ रहे थे, वो रकबे छीन के, हालांकि वो कह रहे हैं भाई चलो, हालांकि जो 1912 का एक्ट है वो ये कहता है कि अगर 20 साल से कोई रकबा वो यूज कर रहा है तो आप उससे छीन नहीं सकते। लेकिन उस सब के बावजूद वो रकबे छीन के, हालांकि वो किसान कह रहे हैं ठीक है आप हमारे से रकबे लें, लेकिन हमें क्या है, हमें ठेके पे दे दें। लेकिन नहीं जी, हमने प्राइवेट कंपनीज को देने हैं। क्यों? क्योंकि वो किसान गंदम बीजने के लिए तैयार नहीं है। क्यों गंदम बीजने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि आपने जो पीछे हाल किया। अब देखेंगे गन्ने के हवाले से जो लाहौर में इजलास हुआ, उसकी मुख्तलिफ अपडेट जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये हुकूमत किस तरह से नाअहल है और इसकी नाअहली किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को ले डूब रही है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह के फैसले कर रहे हैं। जब ये लोग कह रहे हैं कि हमें IMF का प्रेशर है कि आपने मुख्तलिफ अजनास के रेट्स मुकरर नहीं करने, ठीक है आप रेट्स मुकरर ना करें, फिर पाबंदियां लगाने की क्या जरूरत है? अब शुगर मिल्स पे क्या आपका हक बनता है कि आप पाबंदी लगाएं कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो शुगर एक्सपोर्ट आपकी मर्जी के मुताबिक करें? वो अपनी मर्जी क्यों नहीं चला सकते जब आपने रेट से मुकरर नहीं करने? ठीक है, IMF ने आपको कह दिया तो आपका तो यह हक ही नहीं बनता कि आप जो है किसानों पे जोर चलाएं, मुख्तलिफ मंडियों पे, मुख्तलिफ मार्केट्स पे, मुख्तलिफ जो मिल्स एसोसिएशंस हैं या जो भी फ्लोर मिल्स है चाहे, तो उनपे कौन सा आप ना फूड डिपार्टमेंट का हक बनता है और ना ही मिनिस्टर साहब का हक बनता है कि आप जाके उनपे फिर अपने जो है वो ऑर्डर चलाए। जब आपने ये कह दिया कि हमने आपको खुला छोड़ दिया है, हम रेट से मुकरर नहीं कर रहे, तो फिर ये जुर्म क्यों? फिर किसानों से रकबे क्यों छीन रहे हैं? फिर आगे जाके आरतियों पे मुकदमा दर्ज क्यों कर रहे हैं? किसानों पे मुकदमा दर्ज क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। इमरान खान ने इन्हें इतना हिला दिया है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अब भी तकरीबन एक हफ्ता पहले शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदीया गए और इसी अवाम के टैक्स के पैसे पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सऊदीया को मिनते कर रहे हैं कि आप हमारी ट्रंप से जो है वो बनवा दें ताकि हमारे मामलात बेहतर हों और हमारे जो है वो कुछ और दिन निकल जाएं। और उस सब के पीछे किसकी किसका पैसा लग रहा है? इसी अवाम का टैक्स का पैसा है ना जी। हम फलाम मुआहदे के लिए जा रहे हैं, फलाम कोई मुआहदा नहीं है, मुआहदे आपके सामने है जो मुल्क जिस तरह से चल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं देख रहा था कि इन्होंने जो पीछे गंदम नहीं खरीदी उससे सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं हुआ बल्कि जो हमारी एक्सपोर्ट थी उसमें मैं देख रहा था काटन 54% जो काटन पहले से कम जो है वो पैदावार हुई काटन की, कपास की, जिससे वाली सी बात एक्सपोर्ट नहीं हो सकी तो उससे नुकसान। इसी तरह से चावल की मैं देख रहा था 30% कम जो है वो बिजाई हुई। इसी तरह से मकई की 30%, तिल की 60 से 70% बिजाई कम हो गई, आम किन्नू इसी तरह से। तो जब किसानों के पास पैसा ही नहीं आएगा तो वो खर्च कैसे अगली फसल पे करेंगी? और आप अपनी नायली देखें कि रेट्स मुकरण ठीक है, आपको IMF का प्रेशर है, चलो हम तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर उनको तो आजाद आना छोड़ देना, किसानों को तो आजाद आना छोड़ दे, मंडियों को तो आजाद आना छोड़ दे। अब जो शुगर्स एसोसिएशन, जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उनका लाहौर में इजलास हुआ तो उसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सिर्फ जंगीर तरीन ने जो अपनी मिल का गन्ने का रेट दिया है ना वो 400 रुपए दिया है। इन शुगर मिल्स एसोसिएशन वालों ने रेट कितना जो है वो आपस में फैसला किया है वो 325 रुपए की है। चलो हम 400 लगा लेते हैं, आप 400 रुपए फी मन लगाएं और 400 रुपए फी मन के हिसाब से आप तकरीबन 700 एवरेज जो है वो 650-700 मन जो है वो एक एकड़ से निकलता है। चलो आप 800 लगा ले, 800 के हिसाब से कितने पैसे बनते हैं? 800 के हिसाब से तकरीबन 3,20,000 बनते हैं। अब 3,20,000 अगर बन रहे हैं तो उसके के हवाले से अगर आप देखें कि किसान के अखराजात कितने आ रहे हैं, सीधे कटाई और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन होती है या लोडिंग वगैरह होती है, तो उस पर लगभग आप 100 रुपए फी मन लगा रहे, तकरीबन 80,000 रुपए तो ये बनता है, 80,000 ये बन गया।
डेढ़ लाख जो है वो आप ठेका लगा ले, कितना बन गया ये तकरीबन 1,80,000 और 1,80,000 ये तकरीबन बन गया 2,30,000, पीछे कितने बच गए तकरीबन 90,000 के करीब। अब 90,000 में आप बिजाई का खर्चा पूरा करके दें, बिजली आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जहां पे संतों में यूनिट महंगा था और जरात में सस्ता था, यही पीछे इमरान खान का दौर था, उसमें क्या था जरात वालों को जो है वो 7 से 8 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही थी और सनत वालों को 19 रुपए मिल रही थी, जबकि अब क्या हो रहा है 19 सनत वालों को 48 रुपए अभी तक मिल रही है और जो किसान है उसको 60 रुपए। जुल्म है किसानों के साथ ये नहीं है, आप खुद अंदाजा लगाएं। तो मतलब हर तरफ से, ये तो मैं बिजली का बता रहा हूं, बाकी जो खादों के रेट उन्होंने बढ़ाए, बाकी चीजें जो बढ़ी वो अलग है। तो इस तरह से किसान के इस्तेसाल, और फिर अच्छा मैंने आपको बताया सारी फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपके सामने रखी कि इतना जो है वो किसान को नुकसान हो रहा है, यानी 90,000 तो खर्चे, अब किसान की अपनी पूरे साल की फसल है, किसान की अपनी दिन रात मेहनत वो कहां गई, बाकी जो जिल्लत जलीलो खुआर होना होता है वो कहां गया, नहीं जी फिर भी हमने तवज्जो नहीं देनी। अब आप देखें कि हुकूमत के पास पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए कुछ और नहीं है, सिर्फ ज़राअत है। आपने जब पीछे हमें गंदम के अच्छे रेट दिए, जब आपने 4,000 तक रेट दिए तो पाकिस्तान के ज़राअत से मुंसलिक किसानों ने आपको 6.5% तक जो है वो ग्रोथ दी, आपके किसी आईटी सेक्टर ने नहीं दी, संतों ने नहीं दी, ये वो वैध सेक्टर है, वो वैध जरिया आपका मईशत का, जिस पर आपकी पाकिस्तान की मईशत चल रही है, ओवरऑल मईशत चल रही है और एक्सपोर्ट हो रही है, वो सिर्फ ज़राअत है, और ज़राअत ने 6.5% ग्रोथ दी जब आपने गंदम का अच्छा रेट दिया, आपने अनाज के अच्छे रेट दिए, क्यों, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ज़राअत से होती है, और जब ज़राअत से एक्सपोर्ट होती है सिर्फ किसान को फायदा नहीं होता, मैं बार बार कहता हूं ये पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का फायदा है, लेकिन क्या है हमने तवज्जो नहीं देनी जी, हमारी अय्याशी नहीं खत्म होती, हम जो है वो अब मजबूर किया जा रहा है उन शुगर मिल्स एसोसिएशन वालों को, उनको आजादाना एक्सपोर्ट की जो इजाजत नहीं दी जा रही, जब वो आजादाना एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उनकी चीनी दर पड़ी रहेगी तो फिर वो किसानों पे जुल्म करेंगे, वाजे सी बात है, और जब किसानों पे जुल्म होगा तो किसानों की बिजाई आगे काम होगी, किसानों की जब, क्योंकि किसानों के आमदन का जरिया क्या है, किसानों को अगर 20 से, किसान क्या मांग रहा है, 20 से 25% बचत मांग रहा है, और वो भी किसान को नहीं होगी, किसान बिजाई नहीं करेगा, किसान का जरिया आमदन यही है जिससे वो बच्चों के स्कूल की फीसें अदा करता है, जिससे वो हॉस्पिटल्स में जो है वो जो भी मरीज, आपको पता है वाजे सी बात है एक बेचारा इंसान जो है इंसान के साथ ये सिलसिला तो साथ साथ चलता है ना, उसने हॉस्पिटल में अद्वियात पे पैसा लगाना है, सारा कहां से आएगा, इसी चीज से उसने निकालना है। और जब आप इस तरह के हालात रखेंगे, जिस तरह से गंदम के रेट रखे, जिस तरह गन्ने पे किसानों को मजबूर कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर किसान आगे फसलें नहीं काश्त करेगा, ना उसके बच्चों की पढ़ाई होगी, फिर अब बेसिकली ये चाहते यही है कि जो गरीब तबका है उनके औलाद बच्चे पढ़े ना, ताकि हमारी गिरेबान पकड़े ना, हम अय्याशी करें, हम इसी तरह से मौजे मारें, पाकिस्तान को लूटते चले जाएं, बस अफसोस ही किया जा सकता है और क्या कह सकते हैं।